अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज अस्मान मलिक एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट म्यूकोजल इम्यूनिटी MSH इन द फर्स्ट फिजियोलॉजी का लेक्चर है। अच्छा, इसके अंदर जो है इम्यूनिटी तो मतलब हमने पढ़ा ही हुआ है कि इम्यून सिस्टम बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, वो सारा सिस्टम वो एक जनरल चीज़ है। हम आज म्यूकोजल इम्यूनिटी की बात करेंगे। म्यूकोजल से मुराद है वो सिक्रीट, ऐसी लेयर जहाँ से सिक्रीशंस हो रही होती हैं उनकी इम्यूनिटी, जिसके अंदर मेनली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर हम बात करते हैं। तो द म्यूकोजल इम्यून सिस्टम इज वन दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग बॉडी थ्रू म्यूकोजल लाइनिंग। ठीक है, म्यूकोजल इम्यून सिस्टम इज प्रेजेंट बिहाइंड एपिथेलियम एंड एंटीजन हैज टू क्रॉस एपिथेलियम टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वो है, तो उसके अंदर इस तरह करके अगर आपके पास ये एक एपिथेलियल की लेयर है, एपिथेलियम से मुराद है जो भी उसकी इंटेस्टाइनल सेल्स की एक लेयर चल रही है, उसके पीछे जो है वो म्यूकोजल इम्यून सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है, तो एंटीजन को ये क्रॉस करके अंदर जाना पड़ता है टू गेट अटैक बाय दैट स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, और जिसको आप उस एरिया का बाउंडेड म्यूकोजल इम्यून सिस्टम कह सकते हो। ठीक हो गया, तो ये इसके अंदर यहाँ तक बात हुई है। सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूकोजल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जनरल चीज़ें हैं, क्योंकि पूरे लेक्चर के अंदर हर चीज़ बतानी है, तो इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, वरना मेन पार्ट जो है वो समझने वाले वो नीचे आएंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन, डेफिनेटली ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि पैथोजन जो है, कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अटैचमेंट उसका बैक्टीरिया का उन सिक्रीटरी में। हम स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर वो बैक्टीरिया का रिजाइड कर जाना, ठहर जाना, जब जाहिर सी बात है जब तक वो एक जगह पे टिकेगा नहीं ना, तब तक वो ग्रो नहीं कर सकता, वो डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन नहीं दे सकता, तो उसकी अडेरेंस को ये रोकेगा। प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट सेंसिटाइजेशन, अब यानी कि बैक्टीरिया जो हार्मफुल हैं उनको लगने नहीं देना, और जो नॉन हार्मफुल हैं उससे ओवर सेंसिटाइजेशन को बचाना है। ठीक है, जैसे कि कई सारे ऐसे फूड कंपोनेंट होते हैं जिससे बंदा एलर्जिक हो जाता है, ठीक है, ओवर ओवर रिएक्ट हो जाता है फूड कंपोनेंट्स के अंदर, जिस तरह हमने डिफरेंट ग्लूटेन एलर्जी आपने सुना होगा, ठीक है, इंटॉलरेंस जैसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो ग्लूटेन एक प्रोटीन है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसके ऊपर ओवर एक्टिव हो गया है, उसका बॉडी का जो म्यूकोजल इम्यून सिस्टम है या जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसको एज अ हार्मफुल सब्सटेंस लेता है, उसके ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो जो म्यूकोजल इम्यूनिटी है ये बॉडी को इस चीज़ के अंदर जो है वो प्रोटेक्ट करती है कि बॉडी जो है वो किसी नॉन हार्मफुल कंपाउंड, जिस तरह डिफरेंट एलर्जी कंपाउंड होते हैं मोस्टली, उससे बचा सके। ठीक है, कि बॉडी बार बार उसको उसकी तरफ एलर्जिक ना हो जाए, और उसकी तरफ जब वो ओवर रिस्पॉन्स ना देना शुरू कर दे। ठीक है, तो उस चीज़ के अंदर भी रोल प्ले करती है म्यूकोजल इम्यूनिटी। तो बेसिकली म्यूकोजल इम्यूनिटी जो है वो बिकॉज ये डिफ्रेंशिएट कर सकती है बिटवीन हार्मफुल एंड नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, इसी बेसिस पे ये फिर बॉडी के ओवरऑल इम्यून सिस्टम को क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है कि किसको मारना है और किसके खिलाफ जो है वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करना। फोकस ऑन मच ऑफ वैक्सीन वर्क, जितनी मैक्सिमम जितनी वैक्सीन बनाई जाती हैं उसका सबसे मेन काम यही होता है कि वो यहीं पे इस पार्ट को टारगेट करती हैं और यहाँ से जो है वो इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं। ठीक है, जैसे कि पोलियो आपने देखा होगा, तो उसका पहला तो इंजेक्शन लगता है डायरेक्ट सीरम में, उसके बाद कतरे होते हैं, तो कतरे कहाँ पे जाके काम करते हैं, वो इसी रीजन में आके जो है वो इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, क्योंकि म्यूकोजल इम्यूनिटी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो वैक्सीन यहाँ पे आके काम करती हैं और इस चीज़ को इम्प्रूव आउट करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी क्या है बेहतर हो जाती है। और रेगुलेट सिस्टेमिक इम्यूनिटी, जो एक होती है लोकलाइज्ड इम्यूनिटी, एक होती है सिस्टेमिक इम्यूनिटी। म्यूकोजल इम्यूनिटी एक किस्म से लोकलाइज्ड इम्यूनिटी है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पार्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास इधर जो अगर हम बात करते हैं जो सिस्टेमिक है वो बॉडी का ओवरऑल सिस्टम है। जैसे हमने घर के बाहर जो है वो एक चौकीदार बिठाया होता है, अब चौकीदार जो है वो तो सिंपल क्या कर रहा है कि घर की अगर क्वाली करता है एट अ लोकलाइज लेवल, ठीक हो गया, और जो सॉरी जो सिस्टेमिक है वो बॉडी का ओवरऑल एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जिसमें एक शहर की पुलिस होती है। ठीक हो गया, और ये जो है वो हमारे पास आ गया। उसके बाद जो है वो सॉरी मोबाइल थोड़ा सा हिल गया था। जो जो म्यूकोजल इम्यूनिटी है डेट इज के जो एक लोकलाइज हो गई, और जो सिस्टेमिक है वो बॉडी का ओवरऑल इम्यून सिस्टम है, तो ये रेगुलेट करती है सिस्टेमिक इम्यूनिटी को भी। किस तरह, क्योंकि जैसे ही पैथोजन ने या एंटीजन ने आना है, तो उसने सबसे पहले इसके साथ ताल्लुक रखना है, इसके साथ अटैच होना है, इसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करना है, तो ये आगे जो है वो ओवरऑल बॉडी की पूरे इम्यून सिस्टम को जो है वो रेगुलेट कर सकती है, उसको रिएक्ट कर उसको कह सकते हैं क्योंकि शो रिएक्शन शो एक्शन। ठीक हो गया, अच्छा, इसके अंदर एक और है,
अच्छा स्लो कर लेते हैं, ये दूसरा थी जनरल चीज़ें थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा तेज़ कर रहा था, आगे जो पार्ट है वो हम स्लोली करेंगे क्योंकि ये इतना कोई इसके अंदर वो नहीं है ना समझने वाली चीज़ है, मतलब जनरली पता है कि हर चीज़। अच्छा सिक्रेटरी आईजीए, सिक्रेटरी आईजीए ये बेसिकली आईजीए स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबिन ए यानी कि एंटीबॉडीज आई हैं, ठीक है। और ये सिक्रेटरी इसलिए है क्योंकि ये म्यूको सेल्स के अंदर रहते हैं, म्यूको सेल के साथ जो है वो ये रिलीज आउट होती हैं, ठीक हो गया। जो म्यूकोजल लाइनिंग है वहां पे ये रिलीज होती है, इसलिए इनको कहते हैं सिक्रेटरी आईजीए। अच्छा इट इज प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रेशन लाइक म्यूकस, टीयर्स एंड सलाइवा। बॉडी सिक्रेशन में जो एंटीबॉडी होगी वो सिक्रेटरी आईजीए होगी, सिक्रेशन जो है वो इसकी इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन बॉडी, 3 ग्राम पर डे, इवन हायर देन आईजीजी। सबसे ज्यादा जो है ये एंटीबॉडी जो है ना बॉडी के अंदर ये सिक्रीट होती है, कौन सी, IgA, इवन डेट IgG से भी ज्यादा ये सिक्रीट हो रही होती है, ठीक हो गया। स्ट्रक्चर जो है वो इसका थोड़ा सा समझने वाला है, इसके बेसिकली क्या होते हैं, पहले तो इसके मोनोमर यूनिट्स होते हैं, मोनोमर यूनिट से क्या मतलब है कि एक एक IgA का यूनिट्स होता है छोटे छोटे मोनोमेरिक, जिसको क्या कहते हैं, ईच विद 5 डोमेन, और हर एक के आगे 5 डोमेन होती हैं, ठीक है। तो जो एक IgA का यूनिट होता है, ठीक है, जिस तरह मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये एक IgA का यूनिट हो गया, एक इम्यूनोग्लोबिन, ये दूसरा हो गया, ठीक है। क्या हुआ, मैंने कहा आईजीए है क्या? सबसे पहले ये बता दें। बता दिया, IgA मैंने अभी बताया कि इम्यूनोग्लोबिन ए ये टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, ठीक है, जो कि सिक्रीटरी सेल्स के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। सिक्रीशंस के अंदर कौन जो टाइप बनाता है, ऑफ एंटीबॉडी, बना कौन रहा है? यहाँ पे वो आगे आएगा, उसका लास्ट पे बिल्कुल प्रोसेस आएगा जिसके अंदर जो IgA है वो मतलब बनाते तो डेफिनेटली प्लाज्मा सेल से ही बनती है, वो पूरा प्रोसेस है वो आगे आएगा इसके ऊपर, ठीक है। वो कहाँ कैसे बन रही है, कहाँ से आ रही है, वो प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको फिर वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है, अभी इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बाद इसके जब तरतीब से आएगा ना कि कैसे चल रहा था, तो वहाँ से आपको सिक्रेटरी IgA का भी पता लग जाएगा कि कहाँ से आई थी। बेसिक जो है वो तमाम की तमाम एंटीबॉडीज जो है वो बी सेल से ही बनती हैं, बी सेल यानी कि आगे प्लाज्मा सेल बनाता है, प्लाज्मा सेल से आगे जो है वो बी सेल मेच्योर होकर प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल से आगे फिर इम्यूनोग्लोबिन्स बनती हैं जिनको एंटीबॉडीज कहते हैं। अच्छा इसके दो ये मैंने बना दिए मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है। एक जे चेन होती है, इट इज अ प्रोटीन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ 15,600 किलो डाल्टन, ये उसका जो है वो वेट होता है प्रोटीन जिसमें मेजर की जाती है, यूनिट है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा सेल से बनती है, ठीक हो गया। ये आ गया यहाँ पे, ये भी जे चेन प्लाज्मा सेल से बन रहा है, ये जे चेन जो है वो 15,600, इसका वजन देखो ये रटे वाली चीज है, इट इज प्रेजेंट इन पॉलीमेरिक IgE ओनली बिकॉज इट लिंक मोनोमर यूनिट, क्योंकि इसका काम क्या है कि ये जैसे मोनोमर यूनिट है इनको इस तरह करके इसने लिंक कर देना है, ठीक है, दो को जोड़ देना है, अगर तीसरा मोनोमर यूनिट है तो ये यही एक सिंगल चेन है वो इसको भी लिंक करके रखेगी, ठीक हो गया। ओनली वन चेन इज प्रेजेंट इन होल पॉलीमर यूनिट इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ लार्ज इज साइज ऑफ पॉलीमर, बेशक जितने मर्जी आप मोनोमेरिक यूनिट ले आओ, इधर भी यही एक चेन है, ये सिंगल चेन है, ये ओवरऑल उसमें रन करेगी और तमाम के तमाम मोनोमेरिक यूनिट को जोड़ के रखेगी, ठीक हो गया। जे चेन इंड्यूस कन्फर्मेशन एंड थस कॉज लिंकिंग ऑफ IgA विद सिक्रेटरी कंपोनेंट, जब जे चेन जो है वो तमाम को मोनोमेरिक यूनिट को अपने आपस में जोड़ के पॉलीमेरिक IgA बना देगी, पॉलीमेरिक मेरिक का मतलब होता है कि मतलब यूनिट्स, और पॉली का मतलब ज्यादा यूनिट्स के मिलकर, जो ये जे चेन जैसे ये जोड़ लेगी उसके बाद ये कंफर्मेशन देती है कि अब इसके साथ सिक्रेटरी कंपोनेंट जो है वो अटैच हो सकता है, ठीक है, सिक्रेटरी कंपोनेंट, ये तीसरी चीज आ गई। अब प्रोटीन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ 80,000 किलो डाल्टन का ये मॉलिकुलर वेट की प्रोटीन होती है जो कि सिक्रेटरी कंपोनेंट है, ये कितने की थी, 15,600 किलो डाल्टन, मेड बाय एपिथीलियल सेल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन जहां से निकल के इन्होंने रिलीज होना है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो क्या बना रहे हैं, सिक्रेटरी कंपोनेंट बना रहे हैं, जबकि जो प्लाज्मा सेल थे वो बना रहे थे जे चेन को, और प्लाज्मा सेल ही थे जो कि इन मोनोमेरिक यूनिट को बना रहे थे, ठीक है। अब जो ये बन के आ गया, आगे इसने म्यूकस सेल के पास आ जाना है, म्यूकस सेल जो है वो इसके अंदर ऐड कर देगा सिक्रेटरी कंपोनेंट अपना, ईच एपिथेलियल सेल इन म्यूकस मेम्ब्रेन कैन बाइंड 262 से लेके 7,000 IgA डाइमर टू इंश्योर देयर फुल अवेलेबिलिटी टू टैकल पैथोजन। अब जिस तरह ये एक चेन आ गया, ये आपको साइड पर नजर भी आ रही होगी, ये एक IgA यूनिट ये है, एक IgA यूनिट ये है, ये बीच में जो है ये रेड कलर की जो है ये चल रही है, ये जो सॉरी ये जो चल रही है ये जे चेन है जिसको जोड़ रही है, और उसी के अंदर जो है वो सिक्रेटरी कंपोनेंट भी उसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है ये इसको लेके चलते हैं। अच्छा सिक्रेटरी कंपोनेंट जो है वो जे चेन के साथ अटैच होता है, मोनोमेरिक यूनिट के साथ अटैच नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से वो कहता है कि जो ऊपर वाली लाइन हमने देखी थी ना कि जे चेन इंड्यूस कन्फर्मेशन, तो जे चेन जो है वही सिक्रेटरी कंपोनेंट को बाइंड करेगी, और जब तक जे चेन नहीं होगी तब तक ये
जो है वो सिक्योरिटी कंपोनेंट बाइंड नहीं होगा। तो पहले जे चेन अटैच होती है, उसके बाद उसके ऊपर सिक्योरिटी कंपोनेंट, सिक्योरिटी कंपोनेंट से मुराद है क्योंकि उसने सिक्रीशन का पार्ट बन जाना है IgA ने, तो वो उसके साथ ऐसे अटैच होती है। क्लियर हो गया? और वो कहते हैं कि जो एक एपिथेलियल सेल होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, वो बाइंड कर सकता है 260 से लेकर 70,000 IgA एट अ टाइम, डाइमर्स की फॉर्म में। डाइमर से मतलब है कि ये डाइमर है। तो इसके इतने इस तरह के पूरे पूरे 260 से लेकर 7,000 तक इस तरह के यूनिट्स जो है वो एक सेल पे बाइंड हो सकते हैं, ठीक है, ताकि वो जैसे ही कोई इसकी जरूरत हो तो ये फुली अवेलेबल हो। इतना क्लियर हो गया? आगे चलें। जी आगे आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT, ठीक है। अब ये बेसिकली लिम्फोइड टिश्यूज हैं, ये कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, इसके ऊपर बात बाद में करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ये जो ओवरऑल सिर्फ टर्म्स बताई हुई हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अ डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ लिम्फॉइड सेल एंड स्ट्रक्चर फाउंड इन द म्यूकोजा। तो ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ लिम्फॉइड सेल और स्ट्रक्चर फाउंड इन म्यूकोजा। म्यूकोजा था लेयर थी उसकी, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी की है, डाइजेस्टिव सिस्टम की लेयर। तो बेसिकली अगर आप इसको यहाँ पे रॉ तो नहीं हो, यहाँ पे हो जाएगा ये, अगर एक लेयर है जो कि इंटेस्टाइन की चल रही है, ये इंटेस्टाइन का अंदर वाला हिस्सा है, ल्यूमन जिसे कहते हैं। तो ये जो है डिफ्यूज नेटवर्क लिम्फॉइड सेल एंड स्ट्रक्चर फाउंड इन म्यूकोजा। तो ये इस तरह, ये अगर लेयर है उसकी बैकग्राउंड वाली, जो उसकी स्ट्रक्चर है सेल उसकी जो पूरी लेयर है, तो यहाँ पे ये डिफ्यूज होंगे, इसके अंदर घंसे हुए होंगे, ठीक हो गया। ये इंटेस्टाइन थी, ये ल्यूमन है। मेरी राइटिंग क्या खराब आ रही है, ठीक है, ये ल्यूमन आ गया और उसके अंदर जो है ये एक स्ट्रक्चर आ गया उसके अंदर, जो उसकी बैकग्राउंड होती है। तो अगर ये साइड को जो इसको क्लियर करता हूँ, दोबारा फिर बताता हूँ, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारे पास ये एक, जैसे ये एक इंटेस्टाइन चल रही थी, उसकी जो नीचे वाला ये जो एरिया है, जो उसकी लेयर है अपनी अपनी जो वॉल है उसकी, उसके अंदर एम्बेडेड होती है लिम्फॉइड वेसिकल्स इस तरह करके, ठीक है। इसको आप कहते हो एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोजल के साथ हुए तो MALT। इट्स सेलुलर मैस इज इवन हायर देन टोटल लिम्फॉइड सेल इन बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। ये जो डिफ्यूज फॉर्म में मौजूद है इन टू द टिश्यूज, उसका सेलुलर मैस जो कहता है कि बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड, इन तमाम में जो सेलुलर मैस मौजूद है, यानी कि लिम्फॉइड लिम्फोसाइट्स जितने भी मौजूद हैं, उससे ज्यादा जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। खून के अंदर या बॉडी बॉडी फ्लूड के अंदर जितना मौजूद है लिम्फॉइड सेल्स, उससे ज्यादा जो है वो यहाँ पे इन इस लेयर के अंदर जो है वो, इन लेयर्स के अंदर जो है वो डिफ्यूज होते हैं। अब लेयर सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक की बात नहीं हो रही, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, जितने म्यूकोस प्रोड्यूसिंग रीजन हैं या म्यूकोजल लाइनिंग है, उन सारों की मिला के बात हो रही है। तो इन शॉर्ट म्यूकोजल लाइनिंग में लिम्फोइड सेल्स की जो रेशियो है, जो वजन है, जो उनका मास है, वो ज्यादा है बनिस्बत बॉडी सिक्रीशन के, बॉडी फ्लूड्स के, यानी कि ब्लड वगैरह के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है ये इतना आपको हो गया। आगे इसकी डिफरेंट टर्म है, GALT है, गट से एसोसिएटेड जो लिम्फोइड टिश्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। BART से रिलेटेड है, BART यानी कि ब्रोंकस रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो रिलेटेड है वो यहाँ पे आ जाएगा, और NART जो है वो नेजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है। तो ये जनरल टर्म्स हैं, पढ़ लोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे जो है वो इसकी चलते हैं, जो मेन इसका समझने वाला हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड लिम्फोइड फॉलिकल एट स्पेसिफिक म्यूकोजल साइट और डिफ्यूज MALT, ठीक हो गया। इसको भी मैं सेंट्रलाइज कर लूँ, इसको भी थोड़ी सी अहमियत दे लेते हैं, चलो। अब होता क्या है, दोनों के अंदर फर्क भी थोड़ा सा हमने देखना है और बाकी भी बात करेंगे। ओ MALT इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज लिम्फॉइड फॉलिकल एट स्पेसिफिक म्यूकोजल साइट। ओ MALT इज प्रेजेंट इन टिश्यू ऑफ डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी एंड जेनिटल म्यूकोजल सर्फेसिस इन इंटेस्टाइन। एम सेल आर प्रेजेंट दैट कैप्चर इनवेडिंग बैक्टीरिया। अब इंटेस्टाइन की जो लेयर है वो कुछ इस तरह की होती है कि ये अगर आपकी लेयर चल रही है एक, इसके ऊपर जो है वो माइक्रोविलाई होते हैं, वी नो दैट, इस तरह करके जिसके ऊपर स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। इसी के साथ एक और स्ट्रक्चर होगा माइक्रोविलाई वाला ही, जनरल से बना रहा हूँ। इन्हीं के दरमियान एक नॉन माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर पड़ा था जिसको आप कहते हो एम सेल्स, ठीक है। ये अब एम सेल है ये वाला, बाकी सारे माइक्रोविलाई हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव सेल हैं। बीच में इनके अंदर कौन मौजूद होगा, एम सेल मौजूद होंगे। ये इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, कैप्चर इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड प्रेजेंट देम टू फेगोसाइट प्रेजेंट बीनीथ इट। यहाँ पे मौजूद होते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है, इस रीजन में या इसके अंदर होंगे। तो होगा क्या, जैसे ही इन्वेडर आया, ये उसकी इंटेस्टाइन के अंदर वाली वॉल की बात हो रही है, ये इन्वेडर आया, कोई बैक्टीरिया वगैरह, वो अंदर आ जाएगा। इसके एम सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरिया को पकड़ के अंदर ले आए। अंदर जो मैक्रोफेज मौजूद है जो कि इसको क्या करेगा, तोड़ के उसके जो है वो रिलीज कर देगा एंटीजन्स, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटीजन्स, ठीक हो गया। ये अब क्या हुआ, एम सेल थे, उन्होंने बैक्टीरिया को पकड़ा, अंदर भेजा,
और अंदर जो है वो एंटीजन उसको प्रोसेस करके उसके एंटीजन रिलीज कर दिए, मतलब छोटे पार्टिकल जिस तरह रिलीज कर दिए जिन। अब ये जो एंटीजन है ये फैगोसाइट इनगल्स आफ्टर प्रोसेसिंग ट्रांसफर द प्रोसेस्ड एंटीजन टू एपीसी, यहाँ पे मौजूद होते हैं ए पी सी जो कि क्या है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी कि इनका काम क्या है कि ये एंटीजन को बाइंड करते हैं। एपीसी का काम क्या है एंटीजन को बाइंड करना है और इसको लेके जाना है टूवर्ड्स टी सेल्स, ठीक हो गया, ये एंटीजन को बाइंड करना टूवर्ड्स टी सेल्स को लेके जाना है। टी सेल्स जो है वो फिर उसके ऊपर जो है वो अपना फंक्शन प्ले करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा आगे जो है वो हमारे पास आ जाता है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा हम थे यहाँ पे एपीसी आ गया, इन इंटेस्टाइनल लैमिना प्रोप्रिया, ये इंटेस्टाइन की लैमिना प्रोप्रिया की बात हो रही है जो उसके अंदर वाली लेयर है। लैमिना प्रोप्रिया क्या था, जो पहली लेयर होती है यानी कि हमने किया था ना मिकोजा सब म्यूकोजा मस्कुलरिस और सिरोजा, तो म्यूकोजा के अंदर जो सेकंड वाला उसका पार्ट था एपिथीलियम और उसके नीचे क्या था लैमिना प्रोप्रिया, तो ये एपिथीलियम चल रही है जो ये जो सेल चल रहे हैं उसके नीचे जो है वो लैमिना प्रोप्रिया जहाँ पे ये सारा काम हो रहा है, ठीक हो गया। द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइंग द एपिथीलियम, ये हो गया। पेयर पैचेस यहाँ पे मौजूद है, पेयर पैचेस ये जो और ओ माल्ट है या जिनको लिम्फॉइड फॉलिकल कह रहे हो यही असल में पेयर पैचेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मौजूद है पेयर पैचेस, ठीक हो गया। अब ऊपर वाला काम समझ आ गया तो मैं इसको इरेज कर दूं, मुझे जरा बता देना। म्यूकोसल इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस सेंस में है क्योंकि ये डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली भी इंटर नहीं ना होने देता, स्किन है ना, है तो लेयर ना एपिथेलियल लाइनिंग है तो ये उसको पार नहीं होने देगा, तो इस वजह से इसको कहते हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसका पहले से इंटरेक्शन होना है, सबसे पहले इसका इंटरेक्शन होना है, ठीक है, वो इसका पार्ट होती है। हाँ आगे जाके जो फर्दर मैकेनिज्म है वो फिर डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू अडाप्टिव भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे स्किन हमारी किसी चीज़ को गुजरने नहीं देती, प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, इसी तरह हमारी म्यूकोसल लाइनिंग भी प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जा सकता है। अब मुझे सिर्फ ये बता दो ये जो डायग्राम में समझाइए ये समझ आई है या नहीं, ताकि मैं इसको इरेज करके फिर आगे दोबारा बनाऊँ अगला पार्ट बनाऊँ। ऊंचा बोला करो। नहीं आई, हाँ ये हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अब जो है ये हमारा हो गया क्लियर कि एम सेल था, उसने एंटीजन उसने बैक्टीरिया को पकड़ा, एंटीजन बना दिए, उसके प्रोसेस कर दिया ना, एंटीजन में प्रोसेस कर दिया, एंटीजन को एपीसी ने पकड़ा और ले गए टूवर्ड्स टी सेल्स। टी सेल्स कहाँ पे मौजूद होंगे, वो बेसिकली पेयर पैचेस के अंदर ही मौजूद होते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ और फिर अगला जो है वो पार्ट बनाता हूँ। अगला जो पार्ट है वो इस तरह है कि अच्छा अब जो है वो हम अगला पार्ट करते हैं, वो ये है कि इसके अंदर अब ये हमारे पास आ गई थी लेयर, उसके नीचे जो काम हो रहा था एपीसी ने आगे उसको दे दिया, पेयर पैचेस को सारा अपना काम दे दिया, ठीक हो गया। चलो तो ये है हमारे पास पेयर पैचेस यहाँ पे मौजूद है, इस तरह का एक रीजन होगा, ठीक है, तो ये एक रीजन है, इसके दो सेंटर होते हैं, एक होता है जर्मिनल सेंटर और एक होता है इसका दूसरा सेंटर। जर्मिनल सेंटर लाइट कलर का होता है और ये डार्क कलर का होता है। पेयर पैचेस लिम्फॉइड वेसल, इट हैज टू रीजन, लाइट रीजन एक और दूसरा जो है वो सेंटर में मौजूद है, और डार्क रीजन जो है वो इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है। द लाइट रीजन इज जर्मिनल सेंटर वेयर बी सेल जर्मिनेट एंड प्रोलिफरेट इनटू इफेक्टर एंड मेमोरी सेल, वाइल डार्क रीजन इज वन वेयर बी एंड टी लिम्फोसाइट एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर प्रेजेंट। तो ये जो एपीसी है वो भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टी सेल्स भी पड़े थे और यहाँ पे मेच्योर बी सेल्स भी पड़े थे। अब ये बी सेल्स और ये जो है ये वो सेंटर है जहाँ पे बी सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या था बेसिकली वो मैं समझाता हूँ कि जब एपीसी आता है यहाँ पे लेके एंटीजन्स को, तो यहाँ पे ये जो टी सेल्स हैं ये होते हैं टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी होते हैं और हेल्पर सेल्स भी होते हैं, मेनली ये हेल्पर सेल हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने आगे ये टी हेल्पर सेल का दो काम होते हैं, एक तो ये टी हेल्पर सेल यहाँ पे बी सेल्स की मेच्योरेशन को स्टार्ट करवा देंगे क्योंकि ये जर्मिनल सेंटर है, यहाँ पे बी सेल की जर्मिनेशन और प्रोलिफरेशन को स्टार्ट करवा देंगे और वो बी सेल मेच्योर होकर जो है वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, सही हो गया। और दूसरा जो है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को जो है वो बुलाते हैं कि वो भी यहाँ पे आए, ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है उसकी भी यहाँ पे रेशो है। एपीसी यहाँ से आ गया लेके अपना काम, ठीक है, जो टी हेल्पर सेल्स थे उन्होंने बी सेल्स को भी स्टिमुलेट कर दिया और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी बुला लिया कि वो यहाँ पे आके इन एंटीजेंस के ऊपर क्या करें एक्शन करें, ठीक हो गया। तो ये इसका इस तरह जो है ये पेयर पैचेज के अंदर ये सिंपल सा मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। टी सेल आया, टी सेल्स को स्टिमुलेट किया टी हेल्पर सेल को, उसने आगे बी सेल्स को और साइटोटॉक्सिक टी सेल दोनों को जो है वो सिग्नल किया, बी सेल जो है वो आगे मेच्योर होकर इसमें आ जाएगा जिसको आप प्लाज्मा सेल भी कहते हो,
ठीक हो गया। और जो दूसरी तरफ उसने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को स्टिमुलेट करना है, जो कि आके किलिंग एक्शन अपना यहाँ पे परफॉर्म करेगा। बोथ ऑफ देम विल प्रोटेक्ट प्रोवाइड द इम्यूनिटी। इतना समझ हो गया। आगे ये ओ मार्ट था, जो एक प्रॉपर जिसके अंदर पेयर पैचेस मौजूद हैं और सारा काम हो रहा है। क्लियर हो गया इतना। आगे जो है वो डिफ्यूज मार्ट होता है। डिफ्यूज मार्ट बेसिकली है तो यही कुछ इसी तरह का कुछ है, लेकिन वो अब ये जो पेयर पैचेस हैं ये देखो स्पेसिफिक हैं टू स्पेसिफिक रीजन, सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर स्पेसिफिक पार्ट्स में मौजूद होते हैं। डिफ्यूज मार्ट क्या होता है कि इसी से रिलेटेड जो बाकी पोर्शन है वो इसके इर्द गिर्द बाकी सेंटर में। अब पेयर पैच तो यहाँ पे मौजूद है, इंटेस्टाइन इतनी लंबी, ऊपर से ये इसोफेगस की ट्यूब समझ लो, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेंटर है, तो बाकी एरियाज में क्या हो रहा है, बाकी कौन काम कर रहा है, वहां पे काम करता है डिफ्यूज मार्ट। अ डिस्पर्स नेटवर्क ऑफ लिम्फोइड सेल ड्राइव फ्रॉम ओ मार्ट, इससे ड्राइव हुआ मतलब एक ब्रांच समझ लो, बाकी एरियाज में प्रोवाइड करने के लिए ब्रांच समझ लो। और ये सारी ब्रांचेज एट द एंड जो है वो ओ मार्ट को आके अपना सारा जो है वो रिपोर्ट देती हैं, ये समझ लो, ठीक हो गया। इट इज फाउंड थ्रू आउट द लेमिना प्रोप्रिया रीजन ऑफ म्यूकोजा, ये स्पेसिफिक रीजन में मौजूद है ये पेयर पैच, ठीक है। और ओवरऑल पूरे सिस्टम में जो है वो कौन मौजूद है, वो हमारा जो है वो डिफ्यूज मार्ट मौजूद है। अब इसके अंदर मेनली बी सेल्स होते हैं, अफेक्टर एंड मेमोरी सेल ड्राइव फ्रॉम ओ मार्ट बिकम पार्ट ऑफ। अब यहाँ से जो अफेक्टर सेल निकले थे, ये जो बी सेल प्लाज्मा सेल बना था, इन्होंने आगे, अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बी सेल से आगे प्लाज्मा सेल बनता है और प्लाज्मा सेल से आगे सिक्रेटरी आईजीए बनते हैं। सिक्रेटरी आईजीए कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, डेफिनेटली वो इस लेयर में मौजूद होने चाहिए, यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे चाहिए ना हमें, इस लेयर के अंदर, ये इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये सारा ओ मार्ट है, इसके इर्द गिर्द ये वाला रीजन, ये सारा रीजन, ये सारा का सारा इर्द गिर्द वाला रीजन, ये डिफ्यूज्ड मार्ट है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो एपीसी यहाँ पे जो किलिंग हुई थी, ये जो एंटीजन आए थे एपीसी ने पकड़ा था उन्हें, ठीक है, और उसको इधर भेजा था, वो अब 20 साल यहाँ से निकले, प्लाज्मा सेल बने। मेरी राइटिंग बड़ी अजीब सी है। प्लाज्मा सेल ने आगे जो है वो आगे बना दिया सीरम सिक्रेटरी आईजीए, और वो आईजीए वो यहाँ से रिलीज होकर इधर आ गए। तो इन शॉर्ट ये जो डिफ्यूज मार्ट है इसके अंदर कौन कौन मौजूद होता है, इसके अंदर मेनली बी सेल्स हैं, अफेक्टर बी सेल और मेमोरी सेल जो यहाँ पे बने थे वो यहाँ पे आके काम करेंगे, डिफ्यूज मार्ट में आके काम करेंगे वो, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसिंग डाइमेरिक आईजीए, ये जो प्लाज्मा सेल बी सेल से मेच्योर होकर वो यहाँ पे आए थे, वो इसका पार्ट बनते हैं ये डिफ्यूज मार्ट के अंदर, ठीक है। और हेयर डिफ्यूज मार्ट सेल मतलब वो आईजीए यहाँ पे आके बनाते हैं। इंट्रा एपिथीलियल लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट फाउंड विद इन द एपिथीलियम, और ये जो एपिथीलियम के अंदर जितने भी लिम्फोसाइट किलर सेल मौजूद होंगे, ठीक है, लिम्फोसाइट जो किलिंग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं विद इन द एपिथीलियम, एपिथीलियम के अंदर भी किलिंग हो रही होती है ना, तो ये जो एपिथीलियल लेयर है ये इसके अंदर जितने भी लिम्फोसाइट हैं वो भी डिफ्यूज मार्ट का पार्ट है। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो कि इसको एपीसी जो मैंने यहाँ पे बताया था, वो यहाँ पे भी मौजूद होता है। तो एपीसी जो है वो इसका पार्ट भी है, डिफ्यूज मार्ट का पार्ट भी है और ओ मार्ट का पार्ट भी है, ठीक है। वो डिफ्यूज मार्ट में उसको पकड़ते हैं एंटीजन को और उसको ला देता है ओ मार्ट में आके छोड़ देता है। ओ मार्ट के अंदर उसके जो है वो फर्दर प्रोसेसिस होती हैं, यहाँ से जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो यहीं पे इसके ऊपर किलिंग एक्शन दे देता है, और जो बी सेल्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं, प्लाज्मा सेल बनाते हैं, प्लाज्मा सेल आगे आईजीए बनाता है, और आईजीए दोबारा यानी कि ये निकल के किस में चले जाते हैं, प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल किस में आ जाते हैं, डिफ्यूज मार्ट में आ जाते हैं। और ये जो डिफ्यूज मार्ट के अंदर काम हो रहा है, यहाँ पे आगे आईजीए जो बनी है वो भी सारा डिफ्यूज मार्ट के अंदर काम हो रहा होता है। समझ आइए, बहुत ज्यादा गंद बाज गया, समझ आइए कि नहीं ये बताओ, नहीं तो मैं दोबारा थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दूंगा। ये लेयर थी, ये ओ मार्ट था, यहाँ से जो एंटीजन आए थे ये सारा जो है वो डिफ्यूज मार्ट है, इसके इर्द गिर्द जो है जो फैला हुआ नेटवर्क है, पकड़ना भी इन्होंने इधर लेके आना है, और उसके बाद प्लाज्मा ने जो काम करना है वो भी इसमें आके करना है, सही हो गया। ये था बस कहानी, टोटल यही थी। अच्छा मीटिंग विद एंड इन 10 मिनट्स। अच्छा उसके बाद आ जाता है मोड ऑफ एंटीजन सैंपलिंग। दो तरह की हमारे अंदर जो है ना वो हमारे जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है इसके अंदर दो तरह के जो है वो बेसिकली होते हैं ट्रैक, जिन्हें आप कह सकते हो, ठीक है। अब उन ट्रैक के अंदर ट्रैक से मतलब दो तरह की लाइनिंग होती है, एक होती है स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटनाइज और पैरा कैरेटनाइज एपिथीलिया, नॉन कैरेटनाइज या समहाउ थोड़ी बहुत कैरेटनाइज एपिथीलिया। एक ये होती है जिसके अंदर हमारा यानी कि कल हमने बात की थी ओरल कैविटी है, फेरेंक्स है, इसोफेगस है, यूरिथ्रा वेज है ना, जहाँ से ना कोई सिक्रीशन होनी है ना वहाँ से कोई एब्जॉर्प्शन होनी है, इन रीजन के अंदर जो है वो स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटनाइज जो है पैराकैरेटनाइज एपिथीलिया आ जाती है। और दूसरी तरह की जो लेयर है वो सिंपल एपिथीलिया है, जो कि ब्रोंकियोल्स इंटेस्टाइन और ब्रोंकाई वगैरह के अंदर मौजूद होती है। हमारा इसमें कंसर्न इंटेस्टाइन है और यहाँ से हमारा कंसर्न जो है वो ओरल कैविटी और
फेरिंग्स और ईसोफेगस वगैरह है, ठीक हो गया। अब इन दोनों के अंदर मैकेनिज्म थोड़े थोड़े डिफरेंट है, मतलब एंटीजन को पकड़ना है, एंटीजन कैसे जो है वो वहां से पकड़ के उसके ऊपर जो एक्शन कैसे लिया जाएगा, कैसे वो उसको क्रॉस कर सकता है। हमने शुरू में मैंने बताया था कि एपिथीलियम को जब तक एंटीजन क्रॉस नहीं करेगा इम्यून सेल उस पर काम नहीं कर सकते, उसको लेके कैसे जाना, तो उसके ऊपर जब इसके अंदर है, सही है। एंटीजन सैम्पलिंग इन दिस टिश्यू डिपेंड प्राइमरली ऑन डेंड्रेटिक सेल। अब जो ये सेल है स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटिनाइज या पैराकैरेटिनाइज, इनके अंदर डेंड्रेटिक सेल मौजूद है, जो कि एपीसी भी जिन्हें आप कह सकते हो, ठीक है। एपीसी में ऊपर मैंने अभी बताया था क्या क्या, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रेटिक सेल्स। अच्छा, तो इन्होंने क्या करना है, स्पेसिफिकली लैंगरहैंस सेल्स। स्पेसिफिकली कौन है, लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स आर फेगोसाइटिक, ये फेगोसाइटिक है एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्रेटिक सेल, उसको किल करेंगे, उसके एंटीजन जो आएंगे, जो एंटीजन से मुराद होता है कि जो भी उसके कॉन्टेंट रिलीज होंगे उसको लेके डेंड्रेटिक प्रेजेंटिंग डेंड्रेटिक सेल हैं जो कि एपिडर्मिस के अंदर रिजाइड करते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। दे कैप्चर एंटीजन इन द टिश्यू एंड देन ट्रांसपोर्ट देम टू लोकल एंड रीजनल लम्फोइड फॉलिकल वेयर दे प्रेजेंट देम टू टी सेल्स। तो बेसिकली अगर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम इसको, ये आप समझो कि इस तरह ये एक लेयर है, सिंगल मोटी लेयर होती है ना, मतलब एपिथीलियम है ये, सिंगल लेयर एपिथीलियम। तो जो लैंगरहैंस है वो इस तरह करके यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके। जैसे कोई एंटीजन आएगा ये इसको पकड़ेगा और ये बीच में से उसके रिजाइड करके अंदर आ सकता है जहाँ पे टी सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। टी सेल जो है वो इसके ऊपर काम कर देंगे। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। वो एपिथीलियम के अंदर लैंगरहैंस मौजूद है, कौन सी एपिथीलियम में, स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटिनाइज या पैराकैरेटिनाइज के अंदर। उसने यहाँ से एंटीजन को पकड़ा, इसके अंदर से स्वाइप किया, स्वाइप करके इधर आया और इधर आके टी सेल्स को प्रेजेंट कर दिया। टी सेल्स ने उसके ऊपर जो है वो काम किया, जो कि लोकल एंड रीजनल लिम्फॉइड वेसिकल फॉलिकल्स, यहाँ पर रीजनल लिम्फॉइड फॉलिकल्स मुराद है ऐसे रीजन जहाँ पे टी सेल्स मौजूद होंगे, तो वो उसको लाके दे देगा। टी सेल्स जो उसके ऊपर एक्शन करेंगे एंड उसको खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया इतना। आगे जो है वो डेंड्रिटिक सेल के मुतालिक जो है वो डिटेल है हमारी। डेंड्रिटिक सेल क्या है, डेंड्रिटिक सेल आर नीडेड इन इम्यून रिस्पॉन्स बिकॉज दे कैन कैप्चर प्रोसेस एंड प्रोसेस प्रेजेंट एंटीजन टू द टी सेल्स बाय ट्रांसपोर्टिंग देम टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये जो है वो डेंड्रिटिक सेल क्या करते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन से मुराद है कि ऐसे रीजन जो है वो जहाँ पे लिम्फॉइड लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स जिनको हम कहते हैं बी एंड टी सेल लिम्फोसाइट, वो एक्सेस में मौजूद है, एम्पल अमाउंट में मौजूद होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं, और वहाँ पे ये उसको ये एंटीजन को पकड़ते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो एज अ फोर्स जो है उसके ऊपर काम करके उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कैप्चर पकड़ते हैं, प्रोसेस करते हैं और एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टूवर्ड्स द टी सेल। टी सेल को प्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भेज देंगे जहाँ पे टी सेल जो है उसके ऊपर काम करेंगे। दे आर ऑल्सो एन असेंशियल लिंक बिटवीन इनेट एंड अडाप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट और अडाप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर ये एक लिंक है। लिंक कैसे है, बेसिकली जो एक एपिथीलियम की जो लाइनिंग है वो क्या है, इनेट इम्यून सिस्टम, वो प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन जब उसको आप एंटीजन को पकड़ोगे, उसको लेके आओगे अब और उसको ला के इधर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में दोगे, फिर टी सेल उसके ऊपर काम करके सीखेगा कि मैंने इसको तबाह कैसे करना था, ठीक है। तो उसके ऊपर काम करेगा और उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, अडाप्टिव इम्यूनिटी। तो एपिथीलियल लाइनिंग और ये जो लैंगरहैंस थे ये बेसिकली तो थे, मतलब एपिथीलियल लाइनिंग जो बेसिकली इनेट इम्यूनिटी थी, और जो उसको लेके आना और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जितना भी काम हो रहा है वो अडाप्टिव इम्यूनिटी है, और बोथ बोथ ऑफ देम आर लिंक्ड बाय लैंगरहैंस सेल्स, जिसको हमने डेंड्रिटिक सेल भी कहा है। आगे वो कहते हैं डेंड्रिटिक सेल आर एक्चुअली हिल्स ऑफ द होस्ट। एक्चुअली हिल्स बेसिकली क्या होता है, ये एक मुहावरा है जिसके अंदर क्या है कि एक बादशाह था जो कि जो मतलब जिस तरह होता है ना तोते की जान, बादशाह की जान तोते में, वो वाला हिसाब है। तो ये तोता है हमारा, हमारा ही मतलब डेंड्रिटिक सेल का तोता है। अब तोते से क्या मुराद है कि ये उसके उसको प्रोटेक्ट करे, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो कि कमजोरी है। कमजोरी इस तरह कि ये डायरेक्ट एक्सपोजर में होता है टू वर्ड्स एंटीजन और टू वर्ड इन्वेडर। तो अगर ये खत्म हो गया तो इसका मतलब है आपका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये है तो हमारा प्रोटेक्टिव सबसे मेन स्पाई है, बड़ा होशियार, सारे काम करता है, सारी प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअली हील है हमारे पूरे डेंड्रिटिक सेल के। डेंड्रिटिक सेल जो है ये एक्चुअली हील होते हैं, एक्चुअली हील इस सेंस में, क्योंकि अगर ये खत्म हो गए तो ये पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम की सप्रेशन का कॉज बन सकते हैं। क्लियर हो गया, इसलिए इसको हम एक्चुअली हील कहते हैं। तो ये बेसिकली पूछा जा सकता है उसमें ब्लैंक स्लैंग में। मेच्योरेशन ऑफ डेंड्रिटिक सेल, डेंड्रिटिक सेल की मेच्योरेशन के ऊपर जो है वो होता है कि जैसे ही जो डेंड्रिटिक सेल मेच्योर होता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। लॉस ऑफ एंडोसाइटिक
एफसी रिसेप्टर एंड फेगोसाइटिक रिसेप्टर। तो इसके अंदर जो है वो चीज़ों को अपने अंदर लेके जाने की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब ये मेच्योर होता है। ठीक है, ये खुद से जो है उसके ऊपर एक्शन काम करना जो है ना वो कम कर देते हैं। ठीक है, एंडोसाइटिक का मतलब है कि ये अपने अंदर लेके जाए, सेल को अपने अंदर लेके जाए और वहां पे उसके ऊपर जो है वो फेगोसाइट मतलब उसको खा के अंदर लाइजोजाइम होता है वो इसके ऊपर काम करे, और लाइजोजाइम जब वो आपको लाइजोजाइम का तो पता है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं हर सेल के अपने, वो इसके ऊपर काम करें उसको खत्म कर दें। ठीक है, तो ये इसकी वो वाली एबिलिटी जो फेगोसाइटिक एबिलिटी है वो क्या हो जाती है जब मेच्योर होता है तो उसके साथ ये कम हो जाती है। इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स वो रीजन होते हैं जिनको टी सेल्स जो है वो रिकोगनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो ऊपर जो है वो एमएचसी मॉलिक्यूल की एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है ताकि एंटीजन्स को टी सेल्स की तरफ प्रेजेंट कर सके। ठीक है, अप रेगुलेशन ऑफ को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल CD80 एंड CD86, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो के टी सेल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टी सेल्स को स्टिमुलेट करने वाली तीन चीजें हो गई हमारे पास। पहला, एंटीजन की प्रेजेंटेशन, जैसे ही एंटीजन टी सेल की तरफ भेजा जाएगा जिसके ऊपर एमएचसी लगा होगा तो टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके अलावा ये दो मॉलिक्यूल हैं CD80 और CD86 जो कि टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, तो ये तीनों चीजें मिलकर इसी वजह से इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कहते हैं को स्टिमुलेटरी। मेनली ये टी सेल्स को स्टिमुलेट नहीं कर रहे, ठीक है, मेनली से मुराद है कि टी सेल का मकसद इनको खत्म करना नहीं था। ठीक है, टी सेल का मकसद है एंटीजन को खत्म करना, लेकिन ये साथ में रिलीज होते हैं ताकि टी सेल जो है वो अच्छी तरह एक्टिव हो जाए और सारे काम सही तरह कर सकते। सही हो गया। और लास्ट जो है वो अप रेगुलेशन ऑफ CD40 एंड एडहेशन मॉलिक्यूल ICAM1 एंड LFA3। ये CD40 जो है वो टी सेल एक्टिविटी एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन के अंदर हेल्पफुल होता है मॉलिक्यूल है। ठीक है, ICAM1 और LFA3 जो है ये एडहेशन मॉलिक्यूल है और ये अलाउ करते हैं कि जो डेंड्रिटिक सेल है वो टी सेल्स के साथ आके बाइंड कर सकते हैं। इनकी जब एक्सेस हो जाती है मतलब ये हाई प्रोडक्शन होती है तो जो डेंड्रिटिक सेल है वो टी सेल के साथ आके बाइंड करता है और एंटीजन जो है वो टी सेल को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से टी सेल मतलब ट्रांसफर कर देता है या प्रेजेंट कर देता है टी सेल के सामने कि हाँ भाई ये तुम्हारी रोटी आ गई है इसको खा लो। ठीक है, तो ये वाला काम जो है वो इसके साथ हो जाता है। दीज चेंजेस अलाउ डेंड्रिटिक सेल टू इफेक्टिवली प्रेजेंट एट द एंड, व्हाट पर्पज इज कि डेंड्रिटिक सेल अच्छी तरह एंटीजन को प्रेजेंट कर सके टूवर्ड्स टी सेल्स। इज दैट ओके? ओके, आगे जब वो मीटिंग एंड होने वाली है तो हम इसको सेकंड पार्ट में कर लेते हैं, 1 मिनट की रहेगी ये, ताकि सिंपल एपिथेलिया हो जाएगा, एक ही चीज में ये भी हो जाएगा, बाकी हाँ अगली मीटिंग में हो जाएगा। और लास्ट वाला वो जो वैक्सीन शैक्सीन वाला रह गया वो तो हमें रटा रुटा है तो उसको ऊपर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट वॉज ऑल फॉर दिस, अभी साथ ही मैं लिंक भेज रहा हूँ दूसरा।